लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग पार्ट टू। तो ये पहली लाइव लल्लू की रिकॉर्डिंग है जो लल्लू सुनाएगा लोगों को आपको, और लाइव दिखाएगा, सच बोलेगा, और सच ऐसे बोलेगा कि लल्लू आपको हंसाएगा भी और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आपने आज तक देखी सुनी तो होंगी लेकिन बोली नहीं होंगी, क्योंकि हम सब गूंगे हो गए हैं, समाज गूंगा हो गया है। समाज क्यों गूंगा है मैं नहीं समझता, राज क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, नाराज़ है, नाराज़ है पब्लिक। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज़ है पब्लिक, बहुत नाराज़ है। और नाराज़ क्यों ना हो, मोदी सरकार से भी नाराज़ है। नाराज़गी की जब राजा, एक राजा अगर अपने प्रजा को दुखी अगर करता है तो भगवान राम जी कह गए हैं कि वो राजा राजा नहीं रहता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या चाहे कोई भी राजा हो। राजा तो बहुत हैं, कुछ रजवाड़े ऐसे भी हैं आज़ादी से पहले मिले थे, कुछ ऐसे भी हैं आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद वाले जो रजवाड़े हैं वो करप्ट है या नहीं है पर नहीं जानता, लेकिन उनके हाथ मिले हैं या नहीं मिले मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ, हाथ धुले किसी के भी नहीं है और ईमानदारी जिंदा है। तो जिंदा है चंद इंसानों के दिलों में, और वो दिल कौन से हैं, वो दिल कैसे हैं, कैसे दिल को दिल से हम टटोले, लेकिन हम दिल से बोलते हैं लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में लल्लू सच बोलेगा। हेडिंग लल्लू सच बोलेगा, मैं समझता हूँ कि है या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हम हंसा हंसा के आपको शहर की बात बताएंगे और रुला रुला कर दास्तान सुनाएंगे, आपको हंसाएंगे, आपको रुलाएंगे, रुलाएंगे अगर आपके पास दिल है, और दिल है तो दिल है, दिल किसके लिए धड़कता है, धड़कता है तो क्यों धड़कता है, हम देश की बात करें, रिश्तों की बात करें समाज की बात करें, हम कानून व्यवस्था की बात करें, हम सरकारों ने हमें क्या दिया, लेकिन हम बात करते नहीं हैं, दम नहीं है, दम जो है वो बिक चुके हैं, मद हो गया है, क्योंकि दम का उल्टा मद होता है। ऐसे ही उल्टा हम बात बताएं तो हार की उल्टी राह होती है। अगर अगर अनिल जोशी की हम बात करें, अगर विकास की बात करें तो शहर गवाह है कि अनिल जोशी ने जितने विकास काम किए लेकिन चुनाव में हार गए, तो टिकटों की मार है। और कल अनिल जोशी का बयान आया, तो फोकस में आज अनिल जोशी है और लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग है, तो आज हम अनिल जोशी के बारे में बात करेंगे और उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और बातों ही बातों में कई बात करेंगे, और बात हम करेंगे तो करेंगे केवल कानून व्यवस्था और से लेकर सियासत की, और हम बात करेंगे अपने शहर की, अपने देश की, और हम बात जो करेंगे, बात में तो दम है, बात में दम है, तो दम है तो आज हमारे दम के पहले शिकार हुए हैं विशाल क्रांति जी, क्रांति ला देते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सबसे बड़ी बात के सच्चे इंसान है, और इंसान राजनीति से ये ताल्लुक रखते हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और चुनाव नज़दीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, हाथ वाली सरकार ने अपने हाथों में अगर पवित्र ग्रंथ को लेकर शपथ खाई थी, और शपथ को अगर मुकर जाए तो गुरु रामदास की वसाई नगरी श्री अमृतसर साहेब हो या आनंदपुर साहेब या कोई भी है, धरती माँ है, जब एक ही शब्द में सब बात खत्म हो गई तो अमृतसर पटियाला, पटियाला क्या है, पटियाला में नवजोत कौर सिद्धू पौधे लगा रहे, बहुत अच्छा लगा, लगाओ ना, पर अमृतसर में गुरु रामदास बसाई नगरी में अमृतसर में आकर पौधे लगा देती, तो गुरु रामदास की नगरी है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पौधों से ही वृक्ष होता है, तो वृक्ष कहीं ना कहीं आप थी नहीं बन गई, क्योंकि आपके पति नवजोत सिंह सिद्धू सियासत में आ गए, और वो सियासत में तब आए जब उनको बीजेपी लेकर आई, बीजेपी लेकर आई थी गुरु रामदास की नगरी अमृतसर से, उनको और लेने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो मौत का निमंत्रण, जी हाँ मौत का निमंत्रण ही है, जब मौत की खबर पता लग गई, गुरु की नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को गुरु कहते हैं लेकिन गुरु की अपने कब वहाँ पर शौक जताने नहीं गए, इमरान खान के पास चले गए, और उसके बाद में कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे जाके कैरियर ख़त्म क्यों हुआ, पहले आरोप लगे, अब उसके बाद में आरोपों का सजा ही मिली, ये सजा है, अगर अगर साजिश है तो साजिश कौन रचता है भाई, ऐसी साजिश, ऐसे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसे विभाग छीन लिया तो ऐसी ऐसे ऐसे कर्म का फल कौन देता है, ये फल देता है ऊपर वाला, ऊपर वाला जिंदा जी ही बताता है कि औकात क्या है, मरने के बाद औकात नहीं पता चलती, तो इन औकात क्या है, सियासत की औकात क्या है, हमारे साथ हैं विशाल जोशी जी लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में। आप सवाल अभी तक जो मैं बोल रहा था, आपको लगा कि समाज हम पर हंस रहा है या हम समाज पर हंस रहे हैं या हम सभी मुस्कुरा रहे हैं आज के माहौल को देखकर, आज की व्यवस्था क्या है, सियासत क्या है, और उत्तर आप दीजिए, उत्तर मांगूंगा उत्तर विधानसभा से भी। स्वागत है आपका लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में।
धन बिल्कुल। शुक्ला साहब, आपने सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी बात कही हमारी कानून व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की, हमारी राजनीति की। तो इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ साल से जब से मैं देख रहा हूँ राजनीति को, मैं समाज सेवा में रहा हूँ, लोगों के काम आता हूँ, लोगों के RTI लगाने में, उनकी शिकायत ड्राफ्टिंग करने में मदद करता हूँ, तो पिछले इतने सालों से मैं एक सिस्टम देख रहा हूँ कि आप चाहे शिकायत किसी भी विभाग को करो, उस शिकायत पर कभी कोई एक्शन नहीं होने वाला। वो शिकायत सिर्फ आपकी एक मन की तसल्ली के लिए है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही कागजों में क्या प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो चुकी है। अपनी ही दी हुई शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई है उसको पूछने के लिए उसके बाद आप RTI लगाते हो तो उसको भी आपको जवाब नहीं मिलता। उसके बाद आप RTI की अपील दायर करते हो तो उसमें भी आपको जवाब नहीं मिलता। इसका एक साफ मतलब है कि पंजाब में, हम तो पंजाब का ही सारा सिस्टम देखते हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो पता नहीं चल कैसे रही है, लोगों को इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा। जो सड़कें गलियां ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको खोल कर दोबारा बना दी जाती हैं, और जहां पर आज तक नहीं बनी है वहां तक आज भी नहीं बनी है। तो किसी भी मंत्री के पास चले जाओ, किसी भी विधायक के पास चले जाओ, किसी भी संस्था के चेयरमैन के पास चले जाओ, तो पहले तो उसको आम पब्लिक के पास मिलने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। यही बात लागू होती है हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, अगर मुश्किल से कोई भी आदमी उन तक पहुंच कर ही लेता है, कोई आम व्यक्ति, आम जनता, तो वो सिर्फ एक दो लाइनें लिख के कि इसकी इंक्वायरी की जाए, तो वो निचले स्तर पर आ जाती है। और निचले स्तर पर जब वो कंसर्न निचला स्तर, जो स्तर है निचला स्तर, ये क्या है निचला स्तर? निचला स्तर जैसे कि मैं आप एक समझो कि मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ, तो मैं उनको एक शिकायत जो लिख कर देता हूँ, तो उसमें मैंने अपना पूरा जो मेरे साथ वाकया है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो मेरे को इंसाफ नहीं मिला, या जो मेरे साथ किसी कोई व्यक्ति धक्का कर रहा है, कोई संस्था धक्का कर रही है, तो मैं उसको पहले ड्राफ्ट करता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब। तो मैं अपनी फरियाद डिप्टी कमिश्नर के पास लेकर जाता हूँ, तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास फरियाद डिप्टी कमिश्नर साहब लिख देते हैं कि फलाना अफसर इंक्वायरी करेगा, तो वो उसके पास पहुंच जाती है, वो अपने निचले पर लिख देता है कि वो करेगा, वो आगे नीचे लिख देता है, उसके बाद शिकायत ही गुम हो जाती है। तो जो बेनती करता होता है वो बेचारा तक चक्कर लगा लगा कर थक जाता है कि मेरी शिकायत गई कहाँ ना। तो DC साहब उसके बाद कोई DC साहब को चाहिए कि आपने शिकायत ली है, एक हफ्ते के अंदर आपने जिस अफसर की ड्यूटी लगाई है उसे पूछिए कि मैंने पिछले हफ्ते जो शिकायतें दी है उसकी एक्शन टेकर रिपोर्ट मेरे को दो, तो मैं आपको जिस पूरी रिपोर्टें दिखा दूंगा, पिछले 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल का डाटा निकाल के देख लो, अमृतसर के किसी भी अधिकारी ने आज तक किसी भी अपनी अपनी ही दी हुई शिकायतों पर जिसमें इन्होंने लिखा होता है कि 7 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट करो, और 5-5 साल से वो शिकायतें लटक रही हैं। तो जो अफसर, जो निचले अधिकारी हैं, वो अपने DC साहब की, अपने कंसर्न उस अधिकारियों की बात नहीं मानते, वो आम जनता को क्या इंसाफ देंगे। बिल्कुल ही सिस्टम क्रैश हो चुका है जी, बिल्कुल। आप केवल अमृतसर की बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं? मैं तो ज्यादातर लोग मेरे पास अमृतसर से आते हैं, मैं वैसे ससरे तौर पे बात कर, ये RTI के तहत आपकी बात थी, लेकिन लेकिन नहीं, देखिए आम नागरिक है ना, आम नागरिक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जुड़े हैं। चुनाव में लड़ेंगे आप? बिल्कुल जी, अगर पार्टी सेवा का मौका देगी। इसीलिए तो हमारी पार्टी, देखो राजनीति, हम पिछले जब से मैंने होश संभाले में देखता आया हूँ, राजनीति में एक चीज़ तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने इतनी साफ राजनीति को एक बिल्कुल साफ तरीके का, एक उन्होंने लोगों ने जिन्होंने व्यापार बना रखा था उन्होंने एक समाज सेवा का नाम दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी साफ कहते हैं कि राजनीति में वही आदमी आए जो समाज हित के लिए आता है, जो समाज की सेवा करने के लिए आता है, और जो ठगियां मारने के लिए, अपने रिश्तेदारों की जायदादें बनाने के लिए, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों पर कब्जा करने के लिए आएगा उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसे आदमी का साथ देने के लिए हम राजनीति में आए, मैं भी आया। अब मंतव ये है कि अगर आम आदमी पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं भी कोई सेवा लेने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मेरे को बोले कि आप फलानी जगह से MLA का इलेक्शन लड़ो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर पार्टी ना ही भी टिकट देती तो तब भी पार्टी के साथ हूँ। जब तक हमारी पार्टी का सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी वो देश की सेवा करते रहेंगे तब तक साथ देते रहेंगे, बिना लालच उनका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी है। एक लाइन में बात खत्म कर दो जी। दिल्ली चाहने वालों के हम हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली दंगे भी तो हुए थे। बिल्कुल जी, दिल्ली में दंगे भी हुए थे ना। दंगे, देखो दंगे, दंगा जो होता है ना, दंगा का कोई आज की डेट में वो दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के दंगे इंसाफ मिला? जी दिल्ली के दंगे वो तो 84 की बात की आप कर रहे हो, हमारी सरकार ने, हमारी तो पार्टी 2012 में बनी। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, पार्टी की बात नहीं कर रहे, ये तो पार्टी तय करेगी आपको टिकट दे या ना दे। बिल्कुल, दिल्ली जो पसंद करता है, दिल्ली के रूल को जो पसंद करता है, वो
वो आपके वो उस पर आपकी नजर है? देखो जी, दिल्ली मॉडल पे, दिल्ली मॉडल नहीं, हम मैं जो टिकट वोट लैन जाओगे ना तुम जी आम आदमी पार्टी तो जी ते उत्थे गल होएगी ना कोई पंजाबी बिल्कुल से? बिल्कुल जी, वहाँ पे बातें होंगी। हम पार्टी, हम जब वोट लेने के लोगों के घर में जाएंगे, लोगों के दरवाजे नॉक करेंगे, तो उनको हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो दिखाएंगे। आप देख लेना हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में, अब इस बार जो मैनिफेस्टो रिलीज होगा उसमें सभी बातें लिखी जाएंगी कि अगर हमारी सरकार आती है तो क्या क्या होगा, हम पंजाब में क्या क्या करेंगे, किसको पकड़ेंगे, जो आज तक जांचें पूरी नहीं हुई उसको टाइम बाउंड समयबद्ध तरीका में पूरा किया जाएगा, पूरा कुछ होगा। क्रांति जी सीधी बात है, आप केजरीवाल के साथ हैं बिल्कुल जी तो केजरीवाल की टीआरपी भी आप लूटेंगे, जो भी आपको टिकट मिलेगी। बिल्कुल अब उत्तर देंगे आप? जी उत्तर देखो मैं उत्तर नहीं, उत्तर और उत्तर जी, नहीं मैं कहीं अभी अभी रुलाना भी है देखो, हंसना अभी। रोना एक बना अच्छा हुआ ये पार्ट ऑफ रुलाना, लाइफ है। देखो मतलब आपने जो हमने रुला दिया, आप रुले या नहीं रुले, आपको जब हमने बता दिया कि किन्ने के यहो जे धीआ मावा हो गया जिहड़े इंतजार कर दिया कि उठदे उन्होंने पुत नूं जिहड़ा नजायज किसी ने मारता बिल्कुल ते अपराधी फड़े जाने, किन्ने के यहो जे केस सॉल्व हो जाते हैं? उसे आम तौर पर एक नागरिक देखो तौर पर तुहानूं जब मैं कोई देखो कोई एक अखबारां इन्नी अखबारां पढ़ते हो बिल्कुल तुसीं बिल्कुल मैं दे देखो, चाहे कोई किसी भी धर्म का होवे, किसी नाल भी कोई ज्यादती होंदी है, किसी के घर का जी किसी भी घर चला जाता वै, जां कोई भी दोषी है उस चीज़ का, मैं तो शुरू तो एको गल ते स्टैंड है ते रहांगा भी हर दोषी नूं उहदे कर्मां दी सज़ा सरकार नूं देनी चाहिए। सानू दुश्मनी आपां क्यों करिए? बाबा नानक ने कहा दुश्मनी करनी सानू? जी नहीं नहीं दुश्मनी नहीं नहीं आपां दुश्मनी केवल एक गल दी होई सी, महाभारत कित्थे होई सी? बिल्कुल जमीन दे बंटवारे तो होई सी, बिल्कुल होई सी ना, बिल्कुल तो महाभारत हो गई राइट सर। बिल्कुल रामायण की गल करिए जी, के मां दे कहन तो चलो ओ उन्हें सब मां क्या सब तो पहले उन्हें आशीर्वाद लिता ते के सौतेली मां कहन तो आप छड़ दें सब कुछ छड़ दें, अब भरा नाल लड़ाई नहीं करते, आप राम भगवान राम नूं मानते पर उन्हें की किया उन्हें वो नहीं मानना आप। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਰਹੀ, ਆਪ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ तो पर कहीं ना कहीं विजय पा ली है कुंवर जी ने आके आपके दिलों की, आपके नहीं सीधी ब्राह्मणों को मिलनी थी। देखो जी नहीं ये परंपरा है इस परंपरा, परंपरा। देखो आप उत्तरी विधानसभा क्षेत्र अमृतसर का अगर आप पिछला रिकॉर्ड चेक करो तो जो भी पार्टी है तकरीबन हर हर एक पार्टी ने जो है वहां पर अपना उम्मीदवार ब्राह्मण कैटागिरी से ही उतारा है। तो पार्टी को चलो पार्टी का एक पोर्टफोलियो होता है, पार्टी अपना सिस्टम को फॉलो करती है। तो अब जो बाजार में अफवाहें उड़ रही हैं, जो लोग भी कह रहे हैं, जो हमको भी बारों से पता लगा, अभी हमारे पास पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है मे भी अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि कुंवर विजय प्रताप जी अगर आना चाहते हैं तो चलिए एक और बार बात कीजिएगा, अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी को नहीं आम आदमी पार्टी। जी देखो कुछ जोशी, पता है जोशी जी अनिल जोशी जी का आप मैंने देखा है जी, सामने सोशल मीडिया पे भी देखा है, टीवी पे भी देखा है, काफ़ी जगह बड़ी अच्छी बात है। जोशी जी ने, अनिल जोशी जी हमारे शहर के पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आप उन्होंने किसानों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद की है। चलो देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी देर बाद बड़ी देर बाद मुँह खोला है, इनको पहले खोलना चाहिए, 6 महीने से किसान वहाँ बैठे, वहाँ पर जाके इनके साथ बैठ जाते, जहाँ भी शेर मलिक जी के कोठे के बाहर 6 महीने से पिछले धरना लगा हुआ है वहाँ पर जाके बैठ जाते। चलो अब भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया कि ऊपर वाले जो है उनकी बात भी नहीं सुनते तो किसानों की भी नहीं सुन रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब ऐसे बीजेपी के और भी लीडर आने चाहिए ताकि पार्टी जो है उनको उनको भी पता लगे कि ग्राउंड लेवल पर जो नेता है, ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है, उनको भी वो भी किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी की वजह से अपना मुंह नहीं खोल रहे। लेकिन एक जी एक जो मंत्री साहब अनिल जोशी जी अगर एक्स मिनिस्टर जो सामने आए हैं, इससे औरों के भी हौसले बुलंद हो गए, और भी बीजेपी आने वाले समय में, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के और भी जो लीडरशिप है वो सामने आकर अपनी सरकार को बोलेगी, मोदी सरकार को बोलेगी, मोदी जी आप कानून अगर किसान चाहते तो वापस लो, हमको भी हमारी भी आसान हो, आगे आने वाले इलेक्शन है, हमको भी सामना करना पड़ेगा ऐसे। चलिए हम आने वाले इलेक्शन की बात की है तो आने वाले इलेक्शन की भी बात करेंगे, तो आने वाले इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन 2022 है और हम बात करेंगे तरुण चुग और अनिल जोशी की, बातें अनिल जोशी में रहेंगी, उत्तर हम जनता से भी मांगेंगे और मांगेंगे
विशाल जोशी क्रांति से। विशाल जोशी क्रांति जी ये बताइएगा, तरुण चुग साहब इतने अहदे पे हैं, सचिव हैं बीजेपी के, क्या उनकी पत्नी ब्राह्मण है वो भी, उनकी पत्नी को उत्तर वहाँ से नॉर्थ से सीट मिल सकती है? देखो जी, ये तो पार्टी पर डिपेंड है। देखो, पार्टी की सीनियर लीडरशिप जिसे चाहे जहाँ से चाहे सीट दे सकती है। इसमें क्या बात है, अगर तरुण चुग जी की वाइफ या तरुण चुग जी के परिवार का कोई मेंबर आप कहीं से भी जो अगर वो सीट मांगते हैं तो देना तो पार्टी का काम है। अगर उनकी पार्टी उनकी जिम्मेवारी तय करती है तो शायद लड़ेंगे। अच्छा, पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि पार्टी ने टिकट इनको नहीं दिया था और उन्होंने यहाँ पे फार्म भर दिया था, याद है आपको? किन्होंने सर? अनिल जोशी। हाँ, उन्होंने आज़ाद की तैयारी कर ली थी। नहीं, पर्चा भी भरा गया था। हाँ बिल्कुल, तो पर्चा भर दिया था ना? नहीं, उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली थी, जैसे मेरे को हमको मीडिया के रास्ते में पता लगा था। उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली थी आज़ाद की, लेकिन रात में उनकी टिकट जो है उनकी अनाउंस हो गई थी। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, पौधा लगाना जरूरी है। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर में एक पौधा भी लगा के नहीं गए, वहाँ पटियाले में लगा रहे हैं। जी देखो, अब इसी चीज़ यही राजनीति तो हम बदलने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। देखो, 2012 में नवजोत कौर सिद्धू जी मैडम पूर्वी हल्के से MLA बनी, तब चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी बनी, इनके पास पूरी पावर आई, तो इन्होंने कितने पौधे लगाए जे आप इनसे पूछ लीजिएगा। BRTS प्रोजेक्ट के अंदर उस समय वृक्षों की जम के कटाई हुई, लेकिन ये नहीं बोले। उसके बाद 2017 के बाद नवजोत सिद्धू जी जो ईस्ट हल्के से वो विधानसभा के मेंबर चुने गए, उसके बाद जो MLA चुने गए, उसके बाद इनको कैबिनेट मंत्रालय मिला, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिला। अगर ये चाहते तो अमृतसर की ऐसी नुहार बदल देते कि अमृतसर वाकई स्मार्ट सिटी, अमृतसर पूरे विश्व से लोग आते तो वो भी याद करते कि क्या बात है जी, एक मंत्री ऐसा मिला जिन्होंने अमृतसर में ऐसे काम किए हैं। लेकिन नवजोत सिद्धू जी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे। इनसे सिर्फ शेर सुन लीजिए, इनसे सिर्फ जुमले सुन लीजिए, इनसे सिर्फ पार्टियों की गाथा सुन लीजिए, लेकिन इनके इनसे काम के बारे में कोई बात ना करें। अगर काम के बारे में आप पूछेंगे जो आपको टाल मटोल कर जाएंगे। छः महीने या आठ महीने इलेक्शन को ये बताइएगा, ये जो फंक्शन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में क्या फंक्शन चल रहा है कि फंक्शन ऐसे चल रहे हैं कि इलेक्शन बन गए हैं, फंक्शन 4.5 साल हो गए हैं, अब शुभारंभ हो रहे हैं बड़े तेजी से। ये बताइए, तेजी से जो काम हो रहे हैं, तेजी से सियासत बदलती है, ये बताइएगा। मेरा सवाल ये था, पौधा एक लगा जाती पर्यावरण दिवस पे तो क्या जाता है? बिल्कुल कि कट जा रहा है कुछ पंजाबी? बिल्कुल जी, उनके पास तो सरकारी पंजाबी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना जी। ये तो दिल्ली इच्छा चाहिए ही भी, आप जिस हल्के तो जितते आप हल्के की पिछले किन्ने साल तो सेवा कर रहे हैं, पहला पौधा जो लगाइए तो उत्थे जाके लगाइए, एक नहीं पौधा हजारा पौधे। चलो हूँ ही आ जाए, असं हूँ भी अभी इनवाइट करते हैं भी नवजोत सिद्धू जी मियाँ बीबी दोनों आन अमृतसर के बच्चे जितने लोगों ने इन्होंने चुने ईस्ट हल्के चो उत्थे घट्टो घट आके अपने बंटवारा तो नहीं हो गया कि मियाँ बीबी नहीं सियासत बटवारा। उन्हें क्या, तू पटियाला संभालना, मैं अमृतसर संभालना। मैडम सिद्धू उत्थों लड़ेगी ना कि सिद्धू ने नवजोत सिंह, मेरा दावा है बिल्कुल सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर तो ही लड़ेंगे इलेक्शन। चलो चंगी गल है जी, देखो आपे पता लग जूगा। नवजोत सिद्धू जी अमृतसर तो लड़नगे, मैडम पटियाले तो लड़नगे, कोई गल नहीं, जवाब मियां बीबी वखरे होकर लड़नगे एक थाने, क्योंकि फिर सिद्धू नूं लोकां ने कहना सिद्धू ने अमृतसर छड़ के भज गया। बिल्कुल सिद्धू ने इहो कहना ना, बिल्कुल तो सारा फिर भजेगा इत्थों मिलते हैं बहुत बड़ा एक बबलू भी मिलते हैं। तो बबलू बबलू मतलब टोपी, अविनाश टोपी की गल करा अगर मैं नलकोट की, बड़ा बढ़िया शहर की गल करते, कुछ पर्टिकुलर गल करते तो गल करते सर, तुम शहर वेख्या होगा शहर में, फिर गल उत्तर दो जी। एक बहुत बड़ा आप एक नवा शो का लल्लू द लाइव रिपोर्टिंग का उत्तर दो उसका मित्र निकाल देते हैं। दो में बहुत कुछ है, दो में ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों है, तीनों में से मैं कहता हूँ एक ही है, एक है ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक के। सबसे बड़ा कौन एक हेडिंग, सबसे बड़ा कौन हेडिंग कोई नहीं होता, जिंदगी हेडिंग है,
लेकिन एक बात हम बताएंगे, हेडिंग बन जाती है जिंदगी, जिंदगी हेडिंग बन जाती है, और हेडिंग बन जाती है, और हेडिंग बनती है तभी बनती है जब सच होती है। सच की बात में लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग, तो हेडिंग लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में चल रहा है, जिसने अच्छा मिलेगा दोस्तों बदल दूंगा, वो क्या बदल रहा है, बदलता कुछ नहीं है लेकिन बदल दूंगा, बदल मैं नहीं देता ऊपर वाला देता है, हम तो बदलने वालों के साथ हैं और मेरे साथ बदलने वालों के साथ हेडिंग नोट। तो ये ऐसे ही चलेगी और लाइव दिखेगी, कटेगी नहीं कटेगी, क्योंकि हमने सीधे सीधे इसको लाइव लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग, लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में हमारा ये शो। सर हुण आपां गल कर लिए किन्ना के दर्द है करोना दा, दर्द है करोना दा, करोना दा दर्द, किसानां दा दर्द, ते दर्द आपां करिए सियासत दा, किहड़े किहड़े दर्द सानूं इक्की दे के चलिया, ते किहड़े किहड़े दर्द सानूं मिलण वाले ने, सानूं लगदे ने, महंगाई महंगाई तो करोना की गल करिए, पिछले साल मार्च महीने तो करोना करके बिल्कुल जो पाबंदियां लगियां उन्हें करके लोगों के व्यापार भी बंद हुए, लोगों घर च बंद होना पाया, लोगों का सिस्टम बहुत हार्म हो गया, लोग काफ़ी फैमलियां इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिन्हें इनकम सोर्स खत्म हो चुके हैं, जिन्हें नौकरियां छट चुकी हैं, जिन्हें परिवारों ने जी करोना की भेट चढ़ गए, जिन्हें कई परिवारों के उन्होंने घर के कमाण वाले जी जे करोना के नाल बेचारे की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने परिवारों की जाके सूझ लेनी चाहिए सरकार को, सरकार जी है करोना का डर ना पावे, सिर्फ करोना का हल करने वास्ते लोगों की मदद करे, सरकार के मंत्री, सरकार के जेडे चेयरमैन, सरकार के कौंसल साहबान, सरकार के सरपंच साहबान, सब लोगों के जाके एक डाटा तैयार करन, किस किस घर के कि चीज़ की जरूरत है, इस चीज़ का नाम सरकार होंगे, पर आप सिर्फ एक महिला के बह के आप रोज़ डे बाय डे मैं बड़ी सख्ती करूँगा जी, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कैप्टन साहब जेब ढिलियाँ करो, खजाने कितने जा रहे हैं, वो जो लोड़ लोगों इस वे बीमारियां लड़न की है, जो लोड़ लोगों इस वे घर के अपने राशन पूरे करन की है, उदो तू कसूड़ियाँ पी आप सड़कों के लुका पवा लीए, सड़कों के पुलों के पुल बना लीए, आप किताबा रिलीज़ कर दीए, आप बहरों समार्ट सिटी के नाते मशीन लगा दीए, जिदे वेस्ट बोतल पाओगे तो थले प्लास्टिक निकल है, की कर रहे हैं आप, ये काम नहीं चाहिए, लोगों को इस वे लोड़ हैगी, लोगों के घर तक राशन पहुँचाओ, एक डाटा तैयार करो, सरकार ने कहा काम नहीं चंगा, तो हम आपको बता देंगे लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में कई भाषाओं में बात चलेगी, बात अंग्रेजी में भी बात होगी और बात भोजपुरी में भी होगी, तो भोजपुरी में भी बात हो सकती है, तीन तीन बातों का इंटरव्यू है आपके दिल को छू जाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि हम दिल को छूने वाली बात करते हैं, हमारे साथ हैं क्रांति जी, ये बताइएगा लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग में ये किन्ना के सानू आप गल करिए कि इंसानियत मर गई है, अज फिर गल उतों ही आती है, मैंने एक सवाल का जवाब नहीं मिलया कि किन्ने के यहो जे बंदे ने जिहड़े रब नूं मनदे ने ते अपने भरा दे नाल इलैक्शन होवे, इलैक्शन दे नाल ते मैं सियासत नाल बट जांदे ने, वैरी हो जांदे ने, गोली चला दिंदे ने, ते उहनूं मैं समझदा हत्या कर दिंदे, रिश्तियां दी हत्या कर दिंदे, कि किन्ना के बंदा समाज डिगण लगा साडा, बहुत ज़्यादा राजनीति तो सत्तर तो पंजाब जो तुम गल करो तो इतने भी तेरे को बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएगियाँ कि भरा भरा का वैरी है, तो दूसरी गल है भी कुछ परिवार यहोजे है पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ टिकटा जड़ियाँ पार्टी ने टिकटा पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने मिलदी आ रही हैं, एक MLA जो कोई बंदा जितता किसी पार्टी का जो पिछले 5 वरी तो MLA बन गया उन्होंने जो उन्हें अगो टिकटा की वंड की कटन आँदी है, जो चेयरमैन की वंड की गल आती अपना भतीजा या अपना भनेवा या होर रिश्तेदार नजर आता अपना कार्यकर्ता नजर नहीं आता, जबकि उन्होंने कार्यकर्ता घोल करता सड़कों के उत्ते दूजिया पार्टियां के नाल मथे लाता वा दुश्मनिया लैंदा वा तो बड़िया मेहनत करके तो अपने MLA ने जिता, एक यहो राजनीति का रूप जरा बदलन वास्ते आम आदमी पार्टी का जन्म होया, असं कहने सारे वलंटियर जिस तो कोई नेता नहीं, आम आदमी ज्यादा गल नहीं करनी, पार्टी की गल नहीं करनी, आम आदमी की गल करनी, पार्टी की गल नहीं करनी, हेडिंग आ गया जी साडे को आम आदमी की गल करनी है, पार्टी की बात नहीं करनी, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की बात नहीं करनी, हमने आम आदमी की बात करनी है, सर ध्यान रखिएगा आम आदमी की पार्टी बात करें, क्रांति किन्नी की हैगी है जी साडे दिलों में, देखो क्रांति दिलों के हैगी जी है, मेरे सामने तुम्हें मैं कुछ फाइलें दिखावगा, एक है दो है पाँच है दस है भी है मेरे को मेरे घर ढेर लग गए हैं, सारिया करप्शन भरिया, कई मंत्रियां संतरियां चेयरमैन फलाने के सब के चिट्ठे है, हूँ देखो जी ये चिट्ठे जोड़े गए सरकारी रिकॉर्ड है, आप RTA ले आप कोई घर के बनाए नहीं है, फिलहाल करोना काल में वो बिल्डिंग बंद है, इस तो पहला भी इतनी सोहनी सी वो भी नहीं खुली, क्योंकि क्यों नहीं खुली कारण है
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਲੂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ, ਆਪੋ ਦੇਖੀ, ਆਪੋ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਆਪੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾ, ਹਮ ਆਪੋ ਦੇਖੀ ਹੀ ਕਹੇਗੇ, ਆਪੋ ਦੇਖੀ ਹੀ ਕਹੇਗੇ, ਆਪੋ ਦੇਖੀ ਜੋ ਬਤਾਏਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਸੇ, ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਵਹੀ ਆਤੇ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੋ। ਤੋ ਉੱਤਰ ਦੋ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਫੋਨ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, देर आए दुरुस्त आए, या सियासत लेकर उनको आई, या एक, क्योंकि इलेक्शन जब इतने महीने रह जाते हैं तो फिर आया जाता है, ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। जी देखो जी, सियासत में अगर कोई आना चाहता है तो वो कब आना चाहता है और क्यों आना चाहता है, ये तो उसका पर्सनल मैटर है, हम इसमें तो कोई हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कोई आता है और पार्टी से वो अपनी सांड गांड करके आता है, पार्टी से अपनी कमिटमेंट करके आता है कि अगर सरकार आएगी तो मेरे को ये होता चाहिए, तो ये होता चाहिए, तो वो भी अलग बात है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी अपनी राय, जो मैं एक आम नागरिक के नज़रिए से, ना कि आम आदमी पार्टी के नज़रिए से, मेरी अपनी राय है जो मैं आपके आपके जरिए मैं सभी से साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुंवर विजय प्रताप जी जैसे अधिकारी जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर वो पंजाब की सेवा करना चाहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी में आएँ, आम आदमी पार्टी में वो जीत के MLA बने। उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो सबसे पहले पार्टी, हमारी पार्टी को, मेरे पार्टी उनको गृह मंत्रालय दे, होम मिनिस्ट्री आजाद होनी चाहिए। कुंवर विजय प्रताप जी जैसे अधिकारी जिनको कि अपनी अपने पुलिस विभाग का पूरा उनको पता है कि कैसे चल रहा है, जब उसका सिस्टम कैसे है, अगर ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने रिटायर्ड होने के बाद, MLA जीतने के बाद वो गृह होम मिनिस्टर बनकर आते हैं तो पूरे पंजाब में क्राइम एक समय तो खत्म हो जाएगा। सर सर सर, रिटायर हुए हैं या रिटायर ली है? वो हो गए। नहीं नहीं नहीं, तो अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? वो देखो जी, वो उनकी अपना पर्सनल मैटर, हम नहीं नहीं नहीं, एक समाज के नाते, समाज के नाते, समाज के नाते, सर समाज के नाते, देखो उनके पास, देखो उन पर क्या पता क्या उनके पर बोझ पड़ा जाए। नहीं नहीं, एक बोझ बोझ की गल छोड़ दो, पंजाबी जी गल करो। बिल्कुल, जीत पक्की, अगर वो आपको लड़ते ब्राह्मण अच्छा, मेरी गल तरुण चौक अपनी वाइफ नूं लड़ाना चाहते, फिर देखो जी, वह भी पार्टी वालों आ रहे हैं, वह भी पार्टी वालों आ रहे हैं, फैसला जनता ने करना वा। उस तो बाद जो जनता जनता जिन्होंने चूज करेगी वो जितेगा। बाकी जो कुंवर विजय प्रताप जी, मैं तुम्हें दसदा भी जो कुंवर विजय प्रताप जी वगैरह चूज बंदे चुन के आते हैं तो इन्होंने मिनिस्ट्रियां भी मिलनिया चाहिए, तो खास तौर पर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री जी अज तक करी जाए, अगर आम आदमी पार्टी, सर सवाल, मैं एक चीज सर, आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनती है, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी तो ये लड़ते ही नहीं, ते पूर्व विजय प्रताप सिंह गृह मंत्री होंगे, पक्का जी? आपा मान लिए उत्तर? नहीं नहीं, मैं अपने अच्छा दसी है, मैं होने चाहिए जी। देखो आज तक पंजाब में, अच्छा तुसी एक फैले, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी याद ही नहीं हुई सर, तुसी पिछला रिकॉर्ड देखो, जेड़ा सीएम सर, मेरी गल सुनो, सर मेरी गल सुनो, सर मेरी गल तो सुनो, बिल्कुल बिल्कुल, दसो सीधी गल है, मैनूं दसो कि अब सिद्धू ने अमृतसर के नवजोत सर सिद्धू दंपत ने अमृतसर के नाल वफा की या नहीं? वफादार वफादार कौन? देखो जी, मैं तो कहूँगा भी जे वफा 100% है, 100 के बीच 1% भी नहीं इन्होंने वफा निभाई, इन्हें इलाके के बंदे अज भी पोस्टर लग रही है जी, नवजोत सिंह सिद्धू जो लगेगा 50,000 रुपया इनाम मिलेगा, वो जड़ा कोई लगाता पे इन्हें, मतलब वो अपने इलाके बड़े नहीं, तो दादी लोग पोस्टर लगाना चालू हुए, एड्डा वाला रेल हादसा हो गया इन्हों की जुडिशन के बच्चे, इन्होंने इलाके के बच्चे, उन्होंने भी इंसाफ नहीं मिले, उन्होंने अपने इंसाफ लैन वास्ते कई धरने प्रदर्शन करने पे, बड़ा कुछ करना पे, इस तरह ही है कई टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने इलाके दी है, जो गल्ला आप एडिया वड़िया जितना आप दिल जित लवेंगे, जितने आप कर देंगे, समुद्र में कश्ती नहीं चलती, हवा में जहाज नहीं चलते, और सिद्धू साहब MLA बने जे, मंत्री है जे, पंजाब के काम करो, कि पंकज पे आप शायर बन के किताबा लिखो, नहीं तो छोड़ो, रिजाइन करो, जो रब ने तुम्हें जो टैक्स दिता उस पास आओ, छड़ दो राजनीति, जो तुम्हारे वादा रोग नहीं, तुम किताबा लिखो, शायर तुम बड़े वधिया जे, तुम्हारे तो ज़्यादा शायरी की नॉलेज नहीं, दूजा तुम धार्मिक बंदे जे, बहुत वधिया तुम्हें करैक्टर है, आराम अपना सेवा करो, कि गुरु धामा से जाके गुरुआ की सेवा करो, रब तुम सतबुद्धि दे, बाकी राजनीति तुम्हारे वादा रोग नहीं है, सारा दिन चैनलों के उत्ते बोलना, अपने चैनल बना के बोलना, पर कुछ करके नहीं, सर, 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 एक गल का जवाब दो,
एक गल का जवाब दो जी, अमृतसर सिद्धू सिद्धू की जो पत्नी उन्हों की वाइफ है जी, उन्हों की वाइफ के खिलाफ करप्शन के केस है जी, उन्हें बारे मुझे नहीं पता नहीं लगे ही आरोप लगे ही नहीं, मैंने कभी सुने कोई लोग बोलते रहते हैं पर बिना बोलते नहीं बिना सबूत तो बोलना कई बोलते, मैं एक बंदा बड़े सालों तो मैं देखन दिया बोली जाता कभी कोई मुद्दा चकता कभी कोई मुद्दा चकता पर रिजल्ट उन्हें भी जीरो अजे तक है पर बोलना हल नहीं है। अभी कहने सामने जे एक चीज़ तुम कहते मेरे को डॉकूमेंट है मैं इन्नी तरीक नूं दिखावगा मैं अज क्यों नहीं, जो तुम खुलासा करते जो दिन डॉकूमेंट दिखाओ उन्होंने पब्लिक करी करो, तुम कार्रवाई नहीं करते कोई तुहाडे को डॉकूमेंट लैके कोई होर कार्रवाई करने वाला बने, पर आप हित साधन वास्ते यहोजे बोलते हैं सानू नहीं समझ आती। कई लोग यहोजे बड़ा कुछ बोल जाते हैं बड़ी जगह सुने भी हैं पर रिजल्ट उन्होंने जीरो ही है, रोले ही है सिर्फ नहीं। करप्शन के करप्शन मामले जो गल करा करप्शन के आरोप लगे जांच चल रही है जांच आई सी मैंने नहीं पता पिछले तुम दसा भी सिद्धू साहब भी सीओ सी वी ओ साहब न लाए थे इतने भी यार देखो जी अपनी सरकार के अनाउंसमेंट करी फिरते ही भी आप ये किया आप वो किया और पावर मैंने नहीं पता मैनू नहीं पता कार्यक्रम साडा होएगा मैनू नहीं पता तुम हसे हो गए रो गए क्यों पर रो रहे कानून व्यवस्था रो रही है। दूसरी तरफ पंजाबी में आ जाता हूँ मुद्दे पे मुद्दा यही है सिलसिला यही है कि आज हम इलेक्शन है तो अपने सियासत के चेहरे दिखने लगे हैं पौधे कहीं कहीं लगने लगे हैं। गुरु रामदास की वसाई नगरी अमृतसर में दर्द भी है बहुत दर्द है यहाँ पर तो कानून व्यवस्था जब रुलाए तो राजा भगवान राम ने भी जब गद्दी त्याग दी थी तो हम चंद दौलत के लिए साजिशें रचते हैं क्यों रचते हैं? भाई भाई का वैरी क्यों हो रहा है? समाज वैरी क्यों हो रहा है? हम सच क्यों नहीं बोलते? कार्यक्रम का नाम होगा हम सच क्यों नहीं बोलते? हम झूठे हैं कहीं ना कहीं हम ईमानदार खुद को साबित करना चाहें। ईमानदार कौन? परिभाषा है सियासत लूट रही है धर्म बोल रहा है सियासत सियासत बहुत कुछ बोल रही है। इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन आने वालों हैं कि ये स्पेशल सीरीज होगी लल्लू हिंदुस्तानी की लाइव रिपोर्टिंग के साथ तो हमने बातें की और हम विदा लेने के लिए भी उनसे चलेंगे और आखिरी उनसे हम सवाल करेंगे कि मुस्कुराएंगे हम कैसे मुस्कुराएंगे तो हम एक स्लोगन देते हैं स्माइल 2022 अपने प्रोग्राम का नंबर स्माइल 2022 जी। आपके करैक्टर सोच को मद्देनजर कैसी सरकार होनी चाहिए, आपके भावी सीएम कौन चाहे कोई भी हो पर चेहरे कौन हो और किसको क्या पदभार मिले वो बता चुके हैं। आपने कुंवर विजय प्रताप सिंह की एक ही मांग की है और एक ही सीट होती है शहर की प्रमुख सीट वो है, बाकी आम आदमी पार्टी को जो वो अलग बात है। जन जन की बात की तो कहीं ना कहीं 2022 स्माइल लेकर आए अच्छी सरकार चुने क्योंकि अच्छी सरकार चुनेंगे तो हम अच्छा समाज चुनेंगे तो एक अच्छी सरकार लेकर आए पढ़ी लिखी सरकार लेकर आए जो जहाँ डर हो जहाँ ठेके ना खुले रहें और कल हमने क्या तस्वीर दिखाई है बिक रही थी बियर तो ऐसे ऐसे तमाम कुछ है सच्चाई के साथ तो सच्चाई के साथ का प्रोग्राम एक और हम सच्चाई के साथ तो ये हमारा प्रोग्राम का नाम अब हमने बदल दिया और आखिर हमने बदल दिया है नाम बदलना पड़ा और क्यों बदलना पड़ा इसलिए बदलना पड़ा कि सच्चाई के साथ बदलना पड़ा तो लल्लू की लाइव रिपोर्टिंग सच्चाई के साथ तो ये नवा हेडिंग और नवा ये जो हमें हेडिंग मिला है तो ये सब बातचीत में मिला है तो हमारे और यहाँ पे कई दोस्त यहाँ पे सुन रहे हैं हमें तो सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे पास बैठे हुए उनके नाम और बड़े अच्छे मजीद हैं रोज़ आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात हंसते हैं नहीं आते हैं जब नहीं मालूम लेकिन मेरे इंटरव्यू पे उनके नाम बाद में बता पाऊँ या ना पाऊँ लेकिन कहानी के साथ जुड़ जाएंगे अगर वो तालियाँ बजाएंगे। किसी ने हाथ में पकड़ कर रखा है और आधे घंटे से पकड़ कर लाइट पकड़ कर रखी है और उसके बहुत दर्द होता है और दर्द इसलिए होता है कि दर्द दिल दर्द जिक्र दर्द तमन्ना और दर्द यही है दर्द सियासत का सबसे बड़ी बात मुस्कान 2022 तो हम ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आएंगे समर्पित होगा लल्लू लाइव रिपोर्टिंग में मुस्कान 202
और हम विदा लेंगे विशाल क्रांति जी की। तो फिर तुहानू किदां लगा जी साडे नाल बबलू जी ने साडे नाल एक कलाकार पूरे नाम सर तुहाडा पूरा नाम हाँ जी गुरप्रीत सिंह साडे नाल है जिन्हों तुसीं देख सकते हो गुरप्रीत सिंह जी है ते साढ़े नाल भाई साहब ने भाई जी तुहाडा की नाम है तुहाडा मानो भाई जी पंजाबी च हाँ जी मानव मानो तुसीं मानो बन गए हो वह तो तुसीं है ही हो हाँ जी हाँ जी मानो तो तुसीं है ही हो ना की रखे है सर मानो तो तुसीं हैगे हो तो मानो ना क्यों रखे घर दे रखा सर सर इंसान इंसान ही है ना तो इंसान क्यों नहीं रखे सर वो इंसान क्यों नहीं इंसान क्यों नहीं बनया इंसान बन गए तुसीं इंसान तो इंसान तो बने आखिरी में दिखा देंगे हमने यहाँ पे लाइट पकड़ रखी है आधे घंटे से इनके चेहरे ही हमारे साथी रहे हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम सर गुरप्रीत है जी जी गुरप्रीत गुरप्रीत हाँ जी सर गुरप्रीत सिंह कुछ आप अगर गल कर लिए शायद गल कर लिए तो कलाकार शक्ल तो भी लग रहे हो जी सर जी सर कलाकार हो नहीं सर नहीं सर शक्लों लग दे सर इस तरह ही है जी वैसे ही शक्ल इस गुरु नाल प्रीत है हाँ जी गुरु नाल प्रीत है जी सर जी कि अपने नाल है सर गुरु नाल ही प्रीत है जी तुहाडा नाम की है मेरा नाम सर गुरप्रीत है जी तो मतलब रब दा ना चोरी कर लिया हाँ जी सर जी सर रब दा ना चोरी कर लिया नहीं रब दा ना सर असी नहीं चोरी कीता नहीं चोरी कीता नहीं कीता माँ प्यो ने कीता अरे दादी जी ने कीता होना जी दादी जी ने रब दा ना चोरी कर दिता ही तो चोरी कर लिया ही अगे अगे फिर हुण रहिंदी है ठीक है सर नहीं हुण वधाई है कि रहिंदी है बहुत है सर बहुत है बहुत है तो तालियां बजाने की लोड़ तो नहीं नहीं तो तालियां चंगी लगियां कि नहीं लगियां शो के हो जा लगा बहुत सोना लगा सर ऐ पूछन दे तो पंजाबी से बहुत सोना लगा सर हां जी बहुत सोना शो बहुत सोना लगा ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਲੈ ਲਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਲਕੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਲਕੀਆਂ ਹਜੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा गल्ला गोरियां गल्ला गोरियां गाना सुने ना हाँ जी सर हाँ जी सर सुने जी गाल कड़ी नहीं सर कदी कड़ी गाल नहीं बिल्कुल कड़ी आन गए सर झूठते ही बोलते नहीं जी कड़ी आन झूठ बोलते हो नहीं सर तुम डर नहीं लगता नहीं लगता सर तो फिर क्यों बोलते हो बस इस तरह ही सर बस इस तरह तो बस इसी तरह हम मिलेंगे और लल्लू लाइव रिपोर्टिंग में मिलेंगे जय हिंद जय भारत